हेलो ब्रदर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में आज हम जानेंगे यहाँ पे। माइक्रोस्कोप क्या है, उसका लेबोरेटरी में उपयोग क्यों करते हैं, और उसका लाइफ साइंस की लेबोरेटरी में कितना रोल इम्पोर्टेंट, कितना रोल होता है, किस तरह का रोल प्ले करता है। तो इन सब सवालों के बारे में, हम माइक्रोस्कोप से संबंधित सारे सवालों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप जाने, उससे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा उसका जो इतिहास है उसको देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप का जो इतिहास शुरू होता है वो 14वीं सेंचुरी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप लेंस सिस्टम है, और लेंस का जो डेवलपमेंट हुआ वो 14वीं सेंचुरी में ही इटली में किए जाने लगा, और उस लेंस का उपयोग चश्मा बनाने में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी ये जो लेंस सिस्टम है वो सिर्फ लेंस बनाए जाते थे, वहां पे माइक्रोस्कोप जैसे किसी टर्म का कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई। एक डच चश्मा मेकर की फैमिली थी, उनके पिता और पुत्र ने मिलकर सबसे पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और उनका नाम है हेंस एंड जकारिस जानसंस। कब उन्होंने डेवलप किया? 1590 में पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया। बट जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब नाम आपको नहीं देखने को मिलते। एक्चुअली इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया था उसको उन्होंने लिविंग सेल्स को काउंट करने या लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने में इनका उपयोग नहीं किया था उस समय, और इसीलिए लाइफ साइंस में इन लोगों का नाम आपको नहीं मिलता। ठीक है, 1675 में एंटेनी वॉन ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का उपयोग करके लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन और अन्य बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, और माइक्रोस्कोप का इतिहास हम यहीं से पढ़ते हैं। उसके बाद समय के साथ साथ धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए, और आज का जो माइक्रोस्कोप होता है उस समय के माइक्रोस्कोप से बहुत डेवलप है और बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर भी हुआ है। ठीक है, आगे चले। 1983 में नॉलैंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, जिसका मैग्निफिकेशन आज तक की सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर है। आज तक के डेवलप सभी माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलिए अब माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं लेके आया हूं, तो आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक लेंस सिस्टम का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को मैग्निफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को मैग्निफाई कर लेते हैं। जो ये लेंस सिस्टम होता है, जब ये अकेले सिंगल लेंस काम करता है तो उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे आपने बचपन में देखा होगा एक हैंड लेंस होता था, और हम उसका उपयोग क्या करते थे, पेपर जलाने के लिए करते थे, दूसरों का कान जलाने के काम में करते थे, ऐसे लाइट के सामने लगा देते थे, किसी के ऊपर फोकस कर देते थे, तो फिर क्या होता था, उससे जहां पे लाइट फोकस होती थी वहां पे जलन पैदा होने लगती थी, वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होने लगती थी। ठीक है, तो वो भी एक माइक्रोस्कोप है, वो उसको हैंड लेंस नॉर्मली बोलते हैं। उससे क्या होता था कि छोटी छोटी चीजों को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना मैग्निफाई करके देखा जा सकता था, और उसको बोलते थे सिंपल माइक्रोस्कोप। जब कई लेंस आपस में एक साथ जुड़ करके किसी वस्तु को मैग्निफाई करने लगे, बड़ा करके दिखाने लगे, तो उसको बोला जाने लगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, पूरा लेंस सिस्टम होता है, लाइट को फोकस करने से लेकर के मैग्निफाई करने तक के बहुत सारे लेंस सिस्टम लगे होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस सिस्टम लगे होते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से लगे होते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये लेंस लगे हैं, ये दोनों लेंस देख रहे हैं, इन दोनों लेंस को, इसको और इसको, ये दो लेंस हैं, इन दोनों लेंस को बोलते हैं आई पीस लेंस। क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस या ऑकुलर लेंस बोला जाता है। और ये जो नॉर्मली जो होता है वो 10x में होता है। अब ऐसा नहीं 10x का ही होता है, ये 5x का भी होता है, 10x का भी होता है, 15x का भी होता है, 20x का भी होता है। अब मैं x जो कह रहा हूं यहाँ पे उसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब अगर ये 10x है तो ये किसी भी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके दे सकता है, 20x है तो 20 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, 15x है तो 15 गुना बड़ा करके दिखाई देता है। अब जब भी माइक्रोस्कोप में एक्स का मतलब आता है तो एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब जितना बड़ा दिख रहा है उससे 10 गुना बड़ा कर लो, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये किसी भी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है,
तो माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर जो होते हैं, जो आपके आंख के पास होते हैं, वो दो लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कभी कभी यहाँ दो लेंस भी होते हैं, कभी कभी यहाँ पे एक लेंस होते हैं। तो अगर एक लेंस होता है तो उसको मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है, और दो लेंस होता है तो उसको बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है। अब ये दो लेंस हो गए, दोनों हो गए आईपीस, ठीक है। उसके बाद जो लेंस सिस्टम होता है वो होता है, ये देखिए यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप, ये लेंस सिस्टम है। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें चार लेंस लगे हुए हैं। पहला लगा है 5x का, दूसरा जो लगा है वो 10x का, तीसरा जो लगा है वो 40x का, और चौथा जो लगा है वो 100x का। तो ये चार ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें लगे हुए हैं, राइट। तो ये चार ऑब्जेक्टिव लेंस और दो आईपीस लेंस लगे हैं, ठीक है। क्या होता है माइक्रोस्कोप के ये जो लेंस होते हैं आईपीस और ऑब्जेक्टिव, इसी से भी कोई वस्तु मैग्नीफाई करके देखी जाती है। अब सपोज दैट, मान लिया अगर हमने माइक्रोस्कोप को 10x पे लगा दिया, तो वो क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा 10 टाइम ये बड़ा करेगा, इनलार्ज करेगा, 10 टाइम मैग्नीफाई करेगा, और फिर 10 टाइम ये मैग्नीफाई करेगा। तो 10 × 10 हो जाएगा 100 टाइम। मतलब अगर मैं नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस 10x कर देता हूँ और ऊपर 10x कर देता हूँ, तो कोई भी वस्तु देखूंगा तो वो 100 गुना बड़ा दिखाई देगा अपने एक्चुअल साइज से। इज इट क्लियर, ठीक है। और अगर मैं 40x लगा दूंगा तो 40 ये हो गया, 10 ये हो गया, 40 × 10 400 हो गया। ऐसे 100 लगा दूंगा तो 100 × 10 1000 हो जाएगा। तो जो नॉर्मली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उससे कोई वस्तु 1000 टाइम बड़ा करके देखा जा सकता है नॉर्मल में, ठीक है। अगर ये आप लेंस 10 की जगह 20 कर देंगे तो वो और बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। अब कुछ सवाल होते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी केयरिंग मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। यहाँ से सवाल कैसे पूछ जाते हैं, आप इस पे देख रहे होंगे ये रिंग बना हुआ है, ये येलो कलर का रिंग, इस पे देखिए ब्लू कलर का रिंग, इस पे देखिए व्हाइट कलर का रिंग, इस पे देखिए रेड कलर का रिंग। एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये ऑब्जेक्टिव 10x लेंस होते हैं उसके ऊपर ये जो रिंग होती है वो किस कलर की होती है। तो 10x पे येलो कलर की रिंग होती है, 40x पे ब्लू कलर की रिंग होती है, 100x पे व्हाइट कलर की रिंग होती है, और 5x पे रेड कलर की रिंग होती है। ये प्रिस्क्राइब्ड कलर की रिंग होती है, किसी भी माइक्रोस्कोप में आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस फिट है, ये आप देख रहे होंगे ये लोहे का जो फ्रेम है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस फिट है इसको बोलते हैं नोज पीस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस किस में फिक्स्ड होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो किस में फिक्स्ड होता है, तो वो नोज पीस में फिक्स्ड होता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये, इसको बोलते हैं स्टेज। अब स्टेज क्या होता है, माइक्रोस्कोप का स्टेज जो होता है वो क्या होता है, वो किसी भी यहाँ पे कोई भी आर्टिकल जब ऑब्जर्व करना होता है तो आपको एक प्लेस चाहिए रखने के लिए। तो ये जो होता है ये स्लाइड या ऑब्जेक्ट रखने के लिए, प्लेस करने के लिए एक फर्म बेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, एक फर्म बेस जिसके ऊपर आप रख सकते हैं, और रखने के बाद यहाँ पे स्लाइड को होल्ड करने के लिए, स्पेसिमेन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे नोब लगे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड होल्डर बोलते हैं। ये देखिए स्लाइड होल्डर नोब्स लगे हैं, इसमें आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो स्लाइड होल्डर नोब्स होते हैं इनको मूव करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट लगे होते हैं, स्लाइड एडजस्टमेंट नोब बोलते हैं। क्या लगे होते हैं, स्लाइड एडजस्टमेंट नोब लगे होते हैं। इनसे आप लेफ्ट राइट और अप डाउन करके स्लाइड को अलग अलग लोकेशन पे मूव करा सकते हैं। क्लियर हो गया, ये स्टेज हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये नोज पीस हो गया, ये हो गया आई पीस हो गया। उसके बाद इसके सपोर्ट के लिए एक फ्रेम लगा होता है, ये फ्रेम आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप का, और इस फ्रेम को बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप का आर्म बोला जाता है। क्लियर है, आगे चले। आगे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे, ये देखिए, ये देख सकते हैं, लाइट जलाता हूँ मैं आपको, यहाँ ये देखिए, ये एक लाइट सोर्स है, ये जो नीचे है एक लाइट सोर्स है, और इसके बीच में यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, लाइट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कितना लाइट पास होगा आगे, लाइट ज़्यादा पास होनी चाहिए, लाइट कम पास होनी चाहिए, लाइट ज़्यादा पास होनी चाहिए, लाइट कम पास होनी चाहिए, उसको
कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक और लेंस सिस्टम लगा होता है, और इस लेंस सिस्टम को बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि यहां से ऊपर कितनी लाइट आएगी, कितनी लाइट की जरूरत है। जैसे आप अगर कोई ऐसा सैंपल एग्जामिन कर रहे हैं जिसमें कम लाइट की जरूरत है तो आप यहाँ से कम लाइट कर सकते हैं, जैसे यूरिन सैंपल में बहुत कम लाइट की जरूरत होती है। आप कोई ऐसा सैंपल एग्जामिन कर रहे हैं जिसमें ज्यादा लाइट की जरूरत है तो आप यहाँ से लाइट ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। इसके अलावा यहाँ पे लाइट के पाथ को रोकने के लिए एक नोब लगा होता है जिसको हम बोलते हैं आयरिस। अब ये आयरिस क्या करता है, आयरिस को मूव करा करके आप यहां से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आयरिस बंद कर देंगे तो क्या होगा कि लाइट नहीं पास होगी, और आयरिस खोल देंगे तो लाइट पास होगी। जैसे आपकी ये आंख की जो आयरिस होती है, इस तरह से अगर आप इसको बंद कर लोगे तो क्या होगी, बाहर की लाइट नहीं जाएगी, खोल लोगे तो बाहर की लाइट आयरिस में जाने लगेगी, यही होता है ना। तो ऐसे इसमें भी एक तरह से वो आयरिस लगी होती है, जैसे आंख के ऊपर आयरिस होता है ऐसे कंडेंसर के ऊपर भी आयरिस होती है। चलिए मैं आपको कंडेंसर निकाल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा आपको बेहतर तरीके से। ये देखिए माइक्रोस्कोप कंडेंसर होता है, आप ये देखिए इसके ऊपर एक फिल्म लगी है, उसके बाद देखिए आप इसको हटाएंगे, ये लेंस की फिल्म है, ये देखिए हटा दिया हमने ये। अब देखिए इसको, ये बंद ओपन करने के लिए और बंद करने के लिए देखिए इस तरह से लगा हुआ है, देखिए ना। अब इसके माध्यम से लाइट को बंद और ओपन और बंद किया जा सकता है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो लाइट बिल्कुल नहीं पास होगी, ओपन कर देंगे तो लाइट पास होने लगेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप का कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर। फिर मैं इसमें फिट कर देता हूँ क्योंकि माइक्रोस्कोप फिर जाकर यूज होना है। तो ये माइक्रोस्कोप का कंडेंसर हो गया। उसके बाद ये लाइट सोर्स होता है, क्या होता है, ये लाइट सोर्स होता है। यहां से माइक्रोस्कोप कंडेंसर में लाइट डाला जाता है और लाइट को फोकस करने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये तो हमने आपको स्टेज के बारे में बता दिया, इनके बारे में सब बता दिया, आर्म के बारे में भी बता दिया, और इन सबको सपोर्ट करने के लिए यहाँ नीचे एक बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, और ये बेस क्या करता है, इसको फर्म बेस प्रोवाइड करता है ताकि लोग एक निश्चित पोजीशन पे स्टैंड रहे। क्लियर है। अब माइक्रोस्कोप को सेट करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट होते हैं जिनको आसानी से मूव करके माइक्रोस्कोप को सेट कराया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको माइक्रोस्कोप का जो अलग अलग पार्ट है उनका नाम बता दिए, मैंने मोस्ट ऑफ पार्ट का नाम बता दिया, पर आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए। सबसे ऊपर जो लेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको ऑकुलर लेंस बोला जाता है, या फिर इनको आई पीस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आई पीस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये जो बेस है इसको आर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको आर्म बोला जाता है, आर्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आर्म हो गया, इससे आप पकड़ के माइक्रोस्कोप को आसानी से कहीं मूव करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस फिट होती है, ये वाला एरिया, इसको बोला जाता है नोज पीस। क्या बोला जाता है, नोज पीस बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया नोज पीस। उसके बाद ये जो लेंस होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो ये सब देख रहे हैं इन सबको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्लाइड होल्डर, और ये स्लाइड होल्ड करने के काम में आते हैं। इसका नाम हमने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी स्टेज है, और स्टेज का क्या काम है ये भी बता दिया कि इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइड को या कोई भी माइक्रोस्कोपिक करने के जो स्पेसिमेन होता है वो इसके ऊपर रखा जाता है। इसके नीचे जो होता है, ये देखिए आप इमेज में आप देखते हैं ये व्हाइट बोर्ड पे, इसको बोलते हैं कंडेंसर, और कंडेंसर का काम होता है लाइट को फोकस करना, लाइट को कंट्रोल करना। उसके बाद इसके नीचे जो होता है ये लाइट सोर्स होता है, यहाँ से लाइट जनरेट की जाती है। ठीक है, और लाइट सोर्स जो होता है, लाइट सोर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लाइट इंटीग्रेटेड कंट्रोल कंट्रोलर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए। तो क्या होता है, इससे लाइट को बंद किया जा सकता है, और इससे लाइट की जो ब्राइटनेस है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो लाइट इंटीग्रेशन कंट्रोलर होते हैं, तो लाइट कंट्रोलर लगा होता है, एक बटन स्विच होती है जिसके माध्यम से लाइट की ब्राइटनेस को घटाया बढ़ाया जा सकता है, या लाइट को स्विच ऑन और ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में जो मैकेनिकल कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये हो गया कोर्स एडजस्टमेंट, और ये हो गया फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट जो होते हैं वो स्टेज और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उनके बीच में, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट दोनों। बट ये है कोर्स एडजस्टमेंट, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत तेजी से मेंटेन करता है, और फाइन एडजस्टमेंट जो होता है वो डिस्टेंस को बहुत सॉफ्टली मेंटेन करता है, और बेसिकली वो क्लियरेंस के काम के लिए उपयोग होता है। और इनके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप पे रख करके फोकस कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी कोई चीज लेंस के नीचे रखा जाता है ना, तो लेंस की एक निश्चित फोकस दूरी होती है, और उस निश्चित फोकस दूरी पे ही वो लेंस उस चीज को प्रॉपर क्लियर देख सकता है।
ज्यादा दूर कर देंगे तो भी नहीं दिखाई देगा, कम कर देंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट की सहायता से माइक्रोस्कोप को मूव करा के वो एक निश्चित डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ताकि अच्छे से क्लियरली ऑब्जेक्ट आसानी से आई पीस में दिखाई दे। बात समझा रही ना? तो ये हो गया कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं माइक्रोस्कोप का, जैसे एक टेक्निकल वर्ड होता है मैग्निफिकेशंस और रेजुलेशंस। मैग्निफिकेशंस क्या होता है और रेजुलेशंस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशंस का मतलब होता है कितने टाइम वो किसी वस्तु को इनलार्ज कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को कितना कितने टाइम वो बड़ा कर सकता है इनलार्ज साइज का दिखा। दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या है? मैग्निफिकेशन पावर किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके माइक्रोस्कोप दिखा सकता है वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है। रेजुलेशंस क्या होता है? रेजुलेशंस पावर क्या होती है? रेजुलेशंस पावर का मतलब होता है कि जैसे माइक्रोस्कोप में कोई भी ऑब्जेक्ट है नियरेस्ट दो बिंदुओं की जो दूरी है तो ऐसी मिनिमम से मिनिमम दूरी पे रखे दो वस्तु को, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे रखे जो दो वस्तु को वो क्लियरली ऑब्जर्व कर लेती है, क्लियरली सेपरेट करके दिखा पाती है, वही उसकी होती है रेजुलेशंस पावर। तो मैग्निफिकेशन और रेजुलेशन में अंतर होता है। मैग्निफिकेशन वो होता है कि कितना कैपेसिटी है वो कितना बड़ा करके दिखा पाएगा, और रेजुलेशंस का मतलब होता है कि वो माइक्रोस्कोप में इमेज को कितना क्लियर दिखा पाएगा, कितने नियरेस्ट पॉइंट की बिंदु को वो क्लियर कर पाएगा, दैट इज द रेजुलेशंस पावर, है ना। अब टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और जो दूसरा होता है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें सिंपल एक सिंगल लेंस होता है और 10 गुना 20 गुना किसी वस्तु को मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पूरा लेंस सिस्टम लगा होता है, और लेंस सिस्टम लगा होने के कारण क्या होता है वो किसी भी वस्तु को ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं, 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, 2000 टाइम मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। बात समझ गई? तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं इनको यूजेस के आधार पर अलग अलग तरीके से डेवलप किया गया, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गए, स्टीरियो माइक्रोस्कोप हो गए, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप हो गए, तो ये बहुत सारे तरह के माइक्रोस्कोप है। तो एक एक माइक्रोस्कोप को हम आपको अलग अलग लेक्चर में एक एक माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे माइक्रोस्कोप को पढ़ा पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गए अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप। चलिए, ये तो आप सब बेसिक कंपोनेंट रहा माइक्रोस्कोप का। अब आपको माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करने का बेसिक प्रोसीजर बता देते हैं कि बेसिक क्या प्रोसीजर होता है माइक्रोस्कोप का, ठीक है। माइक्रोस्कोप को उपयोग करने का जो बेसिक स्टेप होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, आप माइक्रोस्कोप के ऊपर स्लाइड के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से आपको रखना है, सैंपल माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखेंगे और उसको सैंपल को बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे, होल पे जो स्टेज का होल है उसके सेंटर में कर लेंगे, और उसके बाद उसमें लाइट फोकस करेंगे। लाइट उतना हम फोकस करेंगे जितना हमें माइक्रोस्कोप में लाइट की जरूरत होती है। जरूरत पड़ने पे हमें कंडेंसर लाइट का, जो कंडेंसर होता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसमें लाइट कम बेसी कर सकते हैं, तो लाइट को फोकस करते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप को 10x पे सेट करते हैं, पहले माइक्रोस्कोप को 10x से शुरू करते हैं, कभी भी माइक्रोस्कोप को 40x या 100x से ऑब्जेक्ट शुरू नहीं करेंगे, माइक्रोस्कोप को 10x पे सेट करते हैं। और फिर हम अपनी ऑब्जेक्ट को, अपनी जो स्मेयर जो भी स्पेसिमेन हमने रखा है स्टेज के ऊपर, उसको प्रॉपर ध्यान से देखते हैं। जब वो माइक्रोस्कोप के 10x में दिखने लगता है तो प्रॉपर पूरी स्लाइड की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें माइक्रोस्कोपिक करना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 10x पे ऑब्जर्व करने के बाद माइक्रोस्कोप को सीधा मूव कर देते हैं 40x पे। अब मोस्ट ऑफ जो काउंटिंग होती है, जो मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो 40x पे ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपको DLC करनी है, न्यूट्रोफिल, इसनोफिल, बेसोफिल काउंट करना है, ये सब देखना है, तो ये सब आप 40x पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो काउंटिंग होती है वो 40x पे हो जाती है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती है माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, खास करके बैक्टीरिया को देखने के लिए और भी छोटे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 100x भी लेंस उपयोग कर सकते हैं। बट 100x उपयोग करने से पहले क्या करना होता है, आपको स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप इमर्सन ऑयल रखना होता है, और वो इमर्सन ऑयल इस तरह से रखा जाता है कि वो नीचे स्लाइड को टच करे और ऊपर माइक्रोस्कोप के लेंस को टच कर ले, जिससे बीच में कोई एयर या कोई तीसरा मीडियम ना आने पाए, एयर ना आने पाए, या कोई खाली स्पेस ना हो। तो
तो इस तरह से उसमें क्या रखा जाता है, इमर्सन आयल रखा जाता है। तो अगर 100x माइक्रोस्कोप का लेंस उपयोग करना है तो आपको इमर्सन आयल डालना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर से इसको आप 5x माइक्रोस्कोप कर दीजिए और यहां से स्लाइड को रिमूव कर लीजिए। और रिमूव करने के बाद अब आपको अच्छे से माइक्रोस्कोप केयरिंग मेंटेनेंस करना है, केयरिंग करना है, अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग करने के बाद आप माइक्रोस्कोप कवर कर दीजिए और कवर करके रख दीजिए फिर नेक्स्ट टाइम उपयोग के लिए। अब केयरिंग मेंटेनेंस में क्या होता है माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप की जो केयरिंग मेंटेनेंस होती है सबसे इंपॉर्टेंस होता है उसका लेंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो, चाहे वो आईपीस हो, चाहे वो कंडेंसर हो, उनको प्रॉपर क्लीन करके रखें क्योंकि उन्हीं से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। उनकी क्लीनिंग प्रॉपर करें, जरूरत पड़ने के बाद इनको जाइलिन से भी क्लियर कर सकते हैं और इनको कभी हैंड से ना टच करें ग्लास को। ग्लास को जब भी क्लीन करें प्रॉपर टिश्यू पेपर से क्लीन करें या सॉफ्ट कॉटन से क्लीन करें और क्लीन होने के बाद इनको आप कवर करके रखें। जब उपयोग करना तभी कवर ओपन करें, अदरवाइज इसको कवर करके रखें। प्रॉपर बेसिक मेंटेनेंस और केयरिंग होती है। अब हम आपको आगे जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, और टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो होगा वो हम अलग अलग एक एक टाइप का माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।